डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिए थे, यू और वी के पदों में भी प्राप्त कर लिए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी नई टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में अगर वीडियो आप लोग देख लेते हो तो लाइक करना भूल जाते हो प्यारे बच्चों, तो लाइक कर दिया कीजिएगा। और चलिए, आप लोगों के लाइक करने से न तो आप लोगों का कुछ जाता है, बल्कि हम लोगों को एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों का टाइम नुकसान न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो समझिएगा। सबसे पहले क्या होती है कि जब यहाँ कुछ चीज़ें मैंने बना के रखा है, एक तो विरल और एक सघन, वायु विरल माना गया, कांच सघन माना गया। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, विरल तो वो होता है, जिस प्रकार एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर आप लोगों को 100 लोगों की भीड़ में दौड़ाया जाए, बच्चों मैंने क्या कहा जरा गौर से सुनिएगा, यदि आप लोगों को 100 लोगों की भीड़ में दौड़ाया जाए और यदि आप लोगों को 2 या 3 लोगों के साथ दौड़ाया जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि आपकी चाल कहाँ अधिक होगी। डियर स्टूडेंट, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि जब हम लोग 2-3 लोगों के साथ दौड़ते हैं तो आप लोग फ्री रहते हो और आपकी चाल कहीं अधिक होती है 100 लोगों की तुलना में। तो वहाँ क्या होती है, 100 लोग, जहाँ 100 लोग दौड़ते रहते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ होता है आदमियों की संख्या ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जो आपका सघन माध्यम होता है, उनमें जो कांच के जो कण होते हैं वो अत्यंत पास होते हैं, और जो वायु होता है उनमें जो कण होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं। यानी हमारा मकसद ये है कि आपको बताना कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। तो बताइएगा, वे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल जो होती है कम हो जाती होगी, वे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो माध्यम सघन कहलाते हैं पहले वाले की तुलना में। फिर से समझते हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया कि यदि प्रकाश किरणें वायु में से कांच में प्रवेश की, वायु से कांच में प्रवेश की, प्रकाश किरणों की अगर चाल कम हो गई तो कांच आपका कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये नोट करने वाली बात है कि वे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वे विरल माध्यम कहलाते हैं, वे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या कहलाते हैं, सघन माध्यम कहलाते हैं। बात क्लियर हुई डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम कहलाते हैं, और जिनमें प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या कहलाते हैं, सघन माध्यम कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, समझिए, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से यानी वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो वो जो है अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यानी देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, क्या लगा कि कांच में भी ऐसे इनको जाना चाहिए था, पर ये क्या हुई, ये अपने मार्ग से विचलित होकर चलने लगी, तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बोलते हैं, हमने क्या समझाया, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के पश्चात वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती। विचलित होने का मतलब ऐसे जाती रहती है, वो अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो वहां दो स्थिति उत्पन्न होता है डियर स्टूडेंट, एक तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, एक अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने क्या बताया, वहां दो प्रकार के अपवर्तन की घटनाएं घटित होती, दो प्रकार से विचलित होती हैं, एक तो अभिलंब की ओर झुकती है, एक अभिलंब से दूर हटती हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जब विरल से सघन में प्रवेश करती हैं, जब विरल से सघन में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब से का हो जाती है, दूर हट जाती हैं। डियर स्टूडेंट, तो आइए हम लिखते हैं, एक बार लिख लेंगे तो जरूर कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो क्या बताया गया प्यारे बच्चों, जब कोई
प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह ठीक है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक नोट पॉइंट है। क्या आता है ये नोट पॉइंट? क्या है? जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। ये लाइन क्या कहलाती है? अभिलंब। ठीक, प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है? इसी का उल्टा। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। डियर स्टूडेंट, आइए जो हमने लिखा है उसको हम आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात हमने क्या लिखा? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। क्या बताया प्यारे बच्चों? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम यानी वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के पश्चात उसको जाना ऐसे चाहिए था बच्चों, पर वो क्या होते हैं? वो अपने मार्ग से का हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो यही घटना का कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया? जब कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है, अब इधर समझिएगा, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा, जो आने वाली जो किरण होती है, ये जो आने वाली किरण होती है प्यारे बच्चों, इसका नाम देते हैं आपतित किरण। कौन सा नाम देते हैं? आपतित किरण। और ये बिंदु, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। कौन सा नाम होता है? आपतन बिंदु। तो प्यारे बच्चों, फिर से समझिएगा, आपतित किरण पृष्ठ की ओर आने वाली, या हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरणें, विरल माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरणें क्या कहलाती हैं? आपतित किरणें कहलाती हैं। या हम कह दें सघन माध्यम में चलने वाली किरणें क्या होती हैं? आपतित किरणें कहलाती हैं। या ये दोनों डिफिनीशन से सटीक डिफिनीशन आप दे सकते हो प्यारे बच्चों, क्या होती है? आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरणें, आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? आपतित किरणें कहलाती हैं। कौन सी किरणें कहलाती हैं? आपतित किरणें कहलाती है। और ध्यान से समझिएगा, जो ये आपकी दूसरे माध्यम में चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, वो कौन सी किरणें कहलाती हैं? अपवर्तित किरणें कहलाती हैं। कौन सी किरणें कहलाती हैं? अपवर्तित किरण कहलाती है। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा?
कि आने वाली किरणें आपतित किरणें और ऐसी किरणें जिनका परावर्तन नहीं होता, यानी दूसरे माध्यम में चलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? अपवर्तित किरण कहलाती है। अरे आने वाली किरण आपतित किरण और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरणें या विचलित हुई किरणें क्या कहलाती हैं? अपवर्तित किरणें कहलाती हैं। और जिस जहाँ पर आपतित किरणें और अपवर्तित किरणें दोनों एक दूसरे से मिलती हैं वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। डियर स्टूडेंट, वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरणें काटती हैं, वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरणें मिलती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। और अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर खींची गई एक सीधी रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई एक सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। मैंने क्या बताया डियर स्टूडेंट? आपतन बिंदु पर खींची गई एक नॉर्मल, एक सीधी, एक स्ट्रेट लाइन ही अभिलंब कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कौन सा कोण कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन को आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आने वाली किरण आपतित किरण और आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते होंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी टॉपिक और है, अपवर्तन के रूल क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? चलिए प्यारे बच्चों, तो इसी से रिलेटेड हेडिंग है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम देखिए प्यारे बच्चों, अपवर्तन का नियम क्या होता है उसको समझिएगा आप। अपवर्तन का नियम क्या होता है देखिए, यहीं आपको समझाते हैं क्या है। देखिए, आपतित किरण ये क्या है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो समतल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? समतल का मतलब होता है ये आपका व्हाइट बोर्ड। अब देखिए, ये जितनी घटना घटित हुई, ये पूरी जितनी घटना घटित हुई अपवर्तन की, ये सभी तो एक ही समतल में उपस्थित है ना प्यारे बच्चों। तो ये क्या होता है? पहला नियम होता है, देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही क्या होते हैं? समतल में होते हैं। तो पहला नियम लिख देंगे, प्रथम नियम क्या लिख देंगे? आपतित किरण, फिर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इस प्रकार आपका पहला नियम होता है। फिर कौन सा आता है? दूसरा नियम। कौन सा आता है? दूसरा नियम। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, दूसरा नियम क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है दूसरा नियम क्या है, ध्यान समझिएगा। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। ठीक, तो समझिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों? आपतन कोण की ज्या
आपतन कोण की जा अर्थात साइन, ठीक, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण आर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, आर की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है। डियर स्टूडेंट ये होता है, फिर से समझिएगा हमने क्या कहा, आप लिख सकते हैं क्या लिखे हमने, आपतन कोण, आपतन कोण आई की जा, जा का मतलब साइन, आई की जा तथा अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात ही क्या होता है, एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन आई आपतन कोण की जा और साइन आर अपवर्तन कोण की जा बराबर नियतांक यानी एन लिख सकते हो, या तो आप एन नियतांक इसे लिख दीजिएगा, ठीक, ये हो गए नियतांक। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, इसे आप ऐसे लिख सकते हो साइन आई बटे साइन आर, ठीक, बराबर एन, एन क्या है, अपवर्तनांक है माध्यमों के बीच, इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के जाओं का अनुपात ही स्नेल का नियम कहलाता है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।